हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। पिछली वीडियो हमने सीखा था कि कीबोर्ड के होम रोज, टॉप रोज और बॉटम रोज के यूज करने से आपको कुर्तिदेव हिंदी फॉन्ट के कौन कौन से फॉन्ट मिलते हैं। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर रोज के कीज को यूज करने से आपको हिंदी के कौन कौन से फॉन्ट मिलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो नंबर रोज हैं उसमें कौन कौन से की मिलने वाले हैं। तो पहला जो की होगा वो कुछ इस तरह का होगा, दूसरा होगा वो वन होगा, तीसरा टू वाला की होगा, चौथा जो होगा वो थ्री वाला की होगा और पांचवा जो होगा फोर वाला की। ठीक इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो, और लास्ट जो होगा वो ऐसा कुछ की होगा। ठीक है, तो हम आपको इन सारे कीज़ के यूज से जो फाउंट आएंगे हिंदी के उनको मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस की को यूज करेंगे विदाउट शिफ्ट आपको मिलेगा री। जैसे आपको लिखना है कृषि, तो ये क लिखने के बाद आपको नीचे इस तरह का री लिखना होता है, तो ये री इसी से आए, तो क री कार और फिर मूर्धन्त स हर्ष ई कार, आपका ये हो जाएगा कृषि। अगर इसे आप शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो फिर आपको मिल जाएगा हलंत। जैसे कोई अक्षर आधा लिखना हो तो फिर उसके लिए आपको ये हलंत लिखना पड़ता है। जैसे आपको मान लीजिए लिखना है खट्टा, तो आपने ख लिखा, उसके बाद एक ट लिखा, ठीक है, और फिर ट लिखा, तो ये आपका खटटा हो गया। तो आपको खट्टा लिखने के लिए चाहे तो ये जो पहला ट है उसको दूसरे ट के साथ मिलाना होगा या ऐसा करना पड़ेगा, तो उसके लिए नीचे ये हलंत लगाना पड़ेगा। आप जब हलंत लगाएंगे इसका मतलब ये आधा ट होगा, तो ये हो जाएगा खट्टा। वन को प्रेस करते हैं विदाउट शिफ्ट तो आपको मिल जाएगा हिंदी का वन, और अगर इसे शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये इस तरह कोई सिंबल। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आप टू को यूज करते हैं विदाउट शिफ्ट तो आपको मिलेगा हिंदी का टू, और अगर ये शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये जो बट्टे के लिए हम लोग जो यूज करते हैं एप्सिलॉन वो। अगर आप इसी तरीके से थ्री को यूज करते हैं विदाउट शिफ्ट तो आपको मिल जाएगा हिंदी का थ्री, और फिर अगर इसे आप विद शिफ्ट यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा बड़ी रॉ। ठीक है, बड़ी रॉ, जैसे रुपया आपको लिखना होता है तो ये रॉ से आपको रुपया लिखना होगा, तो ये शिफ्ट के साथ आपको थ्री को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप फोर को आप प्रेस करते हैं विदाउट शिफ्ट तो फोर मिल जाएगा, और अगर आप फोर को शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो आपको जो प्लस का सिंबल है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से आप अगर फाइव को प्रेस करते हैं तो फाइव को प्रेस करने से वनली प्रेस करने से तो फाइव मिलेगा, शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो फिर आपको मिल जाएगा ये जो दो डॉट वाला जो कॉलम होता है ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर आप सिक्स को प्रेस करते हैं विदाउट शिफ्ट तो सिक्स मिलेगा, और शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो ऊपर में जो कॉमा होता है वो कॉमा ऊपर का मिल जाएगा। फिर आप सेवन को प्रेस करेंगे विदाउट शिफ्ट तो आपको सेवन मिलेगा, और फिर सेवन को शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो ये आपको डैश मिल जाएगा। मान लो आपने लिखा नोट, उसके बाद आपको डैश देके कुछ लिखना होता है, यह डैश आपको यहाँ से आ जाएगा। विदाउट शिफ्ट को प्रेस करने से एट आपको एट मिलेगा, और विद शिफ्ट एट को प्रेस करते हैं तो फिर आपको वही मिलेगा ऊपर वाला एक दूसरा कोमा। उसके बाद आप नाइन को प्रेस करेंगे, नाइन को विदाउट शिफ्ट तो आपको हिंदी के नाइन मिलेंगे इस तरह का, और अगर विद शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये आपको इस तरह का कोमा मिलेगा। उसके बाद अगर जीरो को प्रेस करते हैं विदाउट शिफ्ट तो आपको मिल जाएगा जीरो, और इसे शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो मिल जाएगा आपको द ध संयुक्त। ठीक है, ये ठीक है, जैसे वृद्धि लिखना हो आपको तो व री, री कहाँ से मिलेगा आपको बता चुके हैं, और द ध संयुक्त आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वृद्धि। ठीक है, उसके बाद आपके जो की है वो हो जाएगा एक ये डैश वाला की। इस की को अगर आप यूज करते हैं विदाउट शिफ्ट तो आपको मिल जाएगा इस तरह का एक छोटा सा ये लाइन, और अगर इसको आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा री। ठीक है, री आपको ये जो सिंबल है इसको आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो आपको री मिलेगा। बराबर वाला की है, इसे आप प्रेस करेंगे विदाउट शिफ्ट तो मिलेगा आपको त्र हिंदी में। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं त्रिशूल या फिर कुछ और त्रासदी, तो ये त्र मिल जाएगा। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा
नीचे में कोई भी बिंदा, आपको लिखना है सरक। आप सरक लिखेंगे तो 100 ले लिए, उसके बाद आपको ड लिखना पड़ेगा, और ड कैसे लिखेंगे ये पहले बताया जा चुका है। उसके बाद ये नीचे जो बिंदा है ये लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस बराबर का जो शिफ्ट प्लस बराबर का जो सिंबल है वो, तो ये आपका हो गया। उसके बाद फिर आप क लिख दीजिए, हो गया आपका सरक। तो इस तरह से आप अपने जो नंबर रोज हैं उसके कीज़ को यूज करके आप हिंदी के फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, ला सकते हैं, पता कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने हिंदी को ठीक कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग को ठीक कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।